नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। जीवन दायनी स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 403 मांग को लेकर सहयोग जिला चिकित्सालय पर दिया धरना। जनपद सिद्धार्थनगर के गांधी स्मार्क सहयोग जिला चिकित्सालय पर एम्बुलेंस 108-102 कर्मचारियों ने अपनी 403 मांगों को लेकर धरना दिए। धरना देते हुए मुख्यमंत्री संबोधित जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन कर्मचारियों के 6 मांग से वेतन भुगतान न होना, पीएफ का पैसा 6 माह से जमा न कराया जाना, कंपनी द्वारा 25 से 50 हज़ार का डीडी वसूला जाना, बड़ी सैलरी को न देना जैसे मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। एक सवाल में आप किन मांगों को लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं? हम लोग बढ़ी हुई सैलरी के लिए कर रहे हैं और सैलरी हम लोग 3-3 महीने की होल्ड कर दी जाती है। जो जीबी के कंपनी है, जो सेवा प्रदाता कंपनी है, वो हम लोगों के साथ बहुत भ्रष्टाचार कर रही है और मानसिक वो कर रही है। हम लोग की सैलरी नहीं दे रही है। हम लोग को 4-6 महीने पहले समझौता हुआ था कि बढ़ी हुई सैलरी दी जाएगी, लेकिन उस समझौते पर वो मान नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग धरना कर रहे हैं और हम लोग का जो पीएफ है वो पिछले 6 महीने से नहीं कटा हुआ है। पिछले 6 महीने से पीएफ का पैसा कंपनी नहीं जमा कर रही है, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग रात को 8 बजे से चक्का जाम करके फिर प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये हड़ताल चलता रहेगा। एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। क्या नाम आपको? मनोज कुमार पांडे। सर पद बताएं। जिला कार्यालय प्रभारी सिद्धार्थनगर। क्या मामला आप धरने बैठे हैं? धरने पे हम लोग बैठे हैं। करीब 2 महीने का वेतन रोक दिया गया है और वह वेतन जब तक नहीं आता है उसके संदर्भ में भी हमारी प्रदेश कमेटी वहाँ वार्ता चल रही है और जो भी वहाँ से समस्या साल्व होता है उसका फिर यहाँ बताया जाएगा। उस तरीके से हम लोग का वहाँ तक चलेगा। अगर आपका ये धरना सफल न हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे? ये धरना तो हमारा सफल होगा 100%, क्योंकि हमारे सभी भाई हमारे सभी कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और वो तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारा प्रदेश कमेटी और पूरा हमारा जिला कमेटी सहयोग करता रहेगा। इससे पूर्व भी आप धरना किए थे, चक्का जाम किए थे, उसका क्या हुआ? इससे पूर्व में हम लोगों ने धरना किया था, उस पर यूनियन का और कुछ कमेटी से ये हुआ कि अभी इनका कुछ टाइम दे दिया जाए, जिसपे उन्होंने वेतन जो बहाली किया, हम लोग का कुछ वेतन बकाया था वो वेतन दे दिया गया था, प्लस 3-4 महीने के श्रम आयुक्त ने भी कुछ समय मांगा था और उस श्रम विभाग ने जो समय मांगा था वो भी समय पूरा हो गया। अब इस समय हम लोग का जो है अब आर पार की लड़ाई है। इसमें जान लीजिए कि जब तक ये मांग हम लोग का मान नहीं लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। यानी वादों पे नहीं जिएंगे? नहीं, अपने वादे पे तो जीबीके हमारा ही नहीं आया है, लेकिन फिलहाल हम लोग भी संघर्ष करते रहेंगे। जब तक अब की बार वो अपना पूरा मान नहीं लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे।